चंद्रपुर जिले में गुरुवार शाम को 7 बजे के दरमियान आकाश में एक अज्ञात वस्तु जाते दिखाई देने से नागरिकों में कौतूहल निर्माण हुआ और अनेक लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैमराबंद किया। इसके संबंध में खगोल शास्त्री प्राध्यापक सुरेश चोपने ने क्या जानकारी दी, देखिए इस खबर में। राज्य के कुछ भागों के साथ चंद्रपुर जिले में आज एक बार फिर गुरुवार को शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास आकाश से रेलवे जैसी एक लंबी प्रकाशमान अज्ञात वस्तु जाते हुए दिखाई दी। अत्यंत धीमी गति से और समांतर होकर उड़ने वाली ये वस्तु क्या है, इसके संबंध में नागरिकों में एक कौतूहल देखने को मिला और इस मौके पर अनेक लोगों ने इस अज्ञात वस्तु का वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया और इसके संदर्भ में तमाम तरह की अटकलें लगाना शुरू हो गया। गौरतलब है 5-6 महीने पहले चंद्रपुर जिले के सिंधेवाई तहसील के लाडपुरी तथा अन्य स्थानों पर सैटेलाइट के पार्ट के गिरने की घटना प्रकाश में आई थी और उसके बाद फिर एक लंबी चमकती हुई आकाश से तारे के समान चमकते हुए समांतर रेखा में जाते हुए दिखाई दी, जिससे अनेक नागरिकों ने देखा। वहीं संदर्भ में मशहूर खगोल शास्त्री प्राध्यापक सुरेश चोपने ने क्या जानकारी दी, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। आज सूर्यास्तानंतर 7:20 वाजता दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जवळजवळ जाणारी एक वस्तू लोकांनी पाहिली आणि लोकांमध्ये थोडं भीतीचं वातावरण झालं आहे, कारण लोकांना असं वाटलं की तो धूमकेतू किंवा उल्का किंवा आकाशातून पडणाऱ्या जे सॅटेलाईटचे तुकडे असावेत असं वाटलं। खूप मला फोन आल्यानंतर मला पण ते पाहता आलं। तर खरं तर ही स्पेस एक्स हे सॅटेलाईट ट्रेंड असं त्याला म्हणतात, तर हे स्टारलिंग सॅटेलाईट्स आहेत आणि जगातून अनेक ठिकाणी हे दिसतात। 2019 खरं त्याची सुरुवात झाली आणि जगामध्ये इंटरनेट प्रोव्हायडर म्हणून हे सॅटेलाईट्स कामाला येतात आणि जवळजवळ 55 सॅटेलाईट्सची ती मालिका होती, एका मागून एक ते सॅटेलाईट जातात असं अनेक लोकांनी पाहिलं आहे। मला आत्ता 2-3 दिवसापूर्वी पण काही लॉन्च त्याचं झालेलं आहे या सॅटेलाईट्सचं। तर अशा प्रकारचे सॅटेलाईटची ही जी मालिका आहे त्याला स्काय ट्रेन असं पण म्हणतात, तर हे आपल्याला नेहमीच अधूनमधून दिसणार आहे, त्यामुळे काही घाबरण्याची कोणाला गरज नाही आहे आणि अतिशय चांगली ही खरं तर आकाशातली ही वस्तू। आपण सिटी क्लब हमारे विशेष प्रतिनिधी अमर बुद्धार पवार की रिपोर्ट।